इसराइल पर ईरान के हमले के बाद रविवार को वॉर कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर सहमति बन गई कि ईरान को अब जवाब दिया जाएगा, यानी कि इसराइल और ईरान अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव से पूरी दुनिया सहमी है, लेकिन इस बीच बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा को इस जंग में एक चीज ऐसी भाग गई जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। दरअसल कई दिनों बाद इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष आखिरकार भड़क गया। इस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस दौरान महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को कुछ ऐसा दिख गया कि वो इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर लिख दिया कि हमें इस सिस्टम की सख्त जरूरत है। दरअसल दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने लिखा, भारत को भी हमला करने वाले शस्त्रों के साथ आयरन क्लैड डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत है और उसे विकसित करना चाहिए। दरअसल सीरिया में इसराइल के हमले में ईरानी सेना के कुछ अफसर मारे गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच धमकियों का दौर जारी था। आखिरकार शनिवार को ईरान ने ड्रोन और रॉकेट से इसराइल पर अटैक कर दिया, मगर यह हमला असफल साबित हो गया क्योंकि ईरान की तरफ से आए 99% रॉकेट को इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इससे जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्रकार को जवाब देते हुए लिखा, इसराइल के पास आईएम ड्रोन से भी ज्यादा अच्छे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। उनके पास लंबी दूरी तक इंटरसेप्ट करने वाले डिफेंस डेविड स्लैंग भी हैं। इसके अलावा उनके पास एरो 3 और 4 सिस्टम भी है। इसके अलावा उन्होंने आयन बीम को भी विकसित किया है, जिसके जरिए लेजर निकलते हैं। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडिया को भी ऐसे सिस्टम पर निवेश करने की आवश्यकता है और इसे जोर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमें अपना फोकस और पैसा इस दिशा में लगाना चाहिए। रविवार सुबह इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 100 रॉकेट हमारी तरफ से दागे गए, जिसमें 99% हवा में मार गिराए गए। अभी इस हमले में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधा हमला किया है। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद रविवार को वॉर कैबिनेट की मीटिंग में अब ये डिसाइड हो चुका है कि ईरान पर जवाबी हमला किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ये कब और कैसे होगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। ईरान की ओर से इसराइल पर किए गए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी जवाबी हमले में शामिल नहीं होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।